हेलो दोस्तों, तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, प्रेजेंट का टोटल फॉर्म देख लिए, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस, ठीक है। अब पास्ट टेंस में भी हम लोग देखते हैं क्या, पास्ट टेंस को भी कितने भागों में बांटा जा सकता है, चार भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं कितने भागों में बांटा जा सकता है, चार भागों में बांटा जा सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, या इसका दूसरा भी नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसका तीसरा भी नाम है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। और इसका तीसरा फॉर्म जो देखते हैं ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा फॉर्म है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ये पास्ट टेंस को भी हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं, चार भागों में, कौन कौन सा, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटीन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। उसके बाद तीसरा में हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा में देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये चार भागों में हम लोग बांट सकते हैं किसको, पास्ट टेंस को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके ये जो सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। अब हम लोग देखते हैं क्या, एक नंबर में सिंपल पास्ट टेंस, इसका दूसरा भी नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, खास करके इंटर के विद्यार्थियों के लिए ये पास्ट टेंस, ये टेंस तो नहीं है, वॉइस है, लेकिन वॉइस उसी वक्त आप समझ पाइएगा जब आपका बेहतरीन कमांड टेंस में होगा, ठीक है। इसलिए जो भी विद्यार्थी इसको देख रहे हैं तो निश्चित रूप से टेंस पे पहले कमांड कीजिए, वॉइस स्वतः हो जाएगा, नरेशन स्वतः हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो दोनों फॉर्म क्या है, टेंस पर बेस्ड है, ठीक है। इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे तरह से समझ लीजिए ताकि आगे का जो भी चैप्टर होगा वो समझने में आपको जरा सा भी कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं आइडेंटिफिकेशन बोले तो पहचान बोलते हैं, ठीक है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन को क्या बोलते हैं, पहचान। क्या पहचान होगा, क्रिया प्लस या, ई और ए, या था, थी भी लिख सकते हैं, था, थी और थे, यानी कि कहने का मतलब है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में या, ई, ए लगा रहे या था, थी, थे लगा रहे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में कहेंगे या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहेंगे, ठीक है। अब इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद V2 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा, एकदम सिंपल छोटा सा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा, V2 होगा प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे वह बाजार गया। अब सवाल उठता है कि हम एक ही तरह का सेंटेंस क्यों लेते हैं, इससे क्या होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वह बाजार गया तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिएगा तो ही, यानी कि सब्जेक्ट क्या है मेरा, ही, ठीक है। ही वेंट, जाना का दूसरा रूप क्या होगा, वेंट, ही वेंट टू मार्केट, इसका क्या हो जाएगा, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया, या वह बाजार गया, ठीक है।
वह बाजार गया, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में या ई ए लगा रहेगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में कहेंगे या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कहेंगे। ठीक है, अब इसका क्या देखते हैं हम लोग, निगेटिव देखते हैं। ठीक है, निगेटिव में क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, हेड होगा, सॉरी सब्जेक्ट प्लस डीड होगा, प्लस क्या होगा, नॉट होगा, प्लस वी वन होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या इसका निगेटिव में, सब्जेक्ट होगा प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब उसी सेंटेंस को हम लोग यहां पर क्या कर देंगे, निगेटिव बना देंगे, वह बाजार नहीं गया, वह बाजार नहीं गया, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट गो टू मार्केट। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर डिड नॉट के बाद गो लगा दिए क्यों, इसलिए कि ये ऑलरेडी डू का दूसरा रूप यहाँ दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग भी वन लगा दिए। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या निगेटिव हो गया, अब इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर, सबसे पहले आ जाएगा डिड, फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, प्लस भी वन होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन होगा, यानी कि क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल, क्या वह बाजार नहीं गया, क्या वह बाजार नहीं गया, तो क्या हो जाएगा, Did he not go to market? ये mark of interrogation होगा। ठीक है, अब जैसे देखिएगा, हम इधर देखिए दूसरे form, यानी कि term plus negative को देखिएगा, term plus negative इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, WH word भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में सबसे पहले क्या करते हैं, टर्म लगा देते हैं, फिर क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे, नॉट। ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वह बाजार क्यों गया, क्यों नहीं गया, वह बाजार क्यों नहीं गया। ठीक है, वह बाजार क्यों नहीं गया, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, Why did he not go to market? तो ये जो है इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से बना लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस समझने में कोई दिक्कत नहीं, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, क्रिया प्लस या ई ए। आप साधारण सी बात है, याद रखिएगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में या ई ए लगा रहेगा, हम लोग समझ जाएंगे वो क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में है, और इसका पहचान हम लोग क्या देखेंगे, या ई ए, मेनली हम देखेंगे या ई ए जिस हिंदी वाक्य के अंत में लगा रहेगा उसे ही हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में समझेंगे, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया, वह बाजार गया तो ही वेंट टू मार्केट। इस तरह से आप एक नहीं अनेक सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। ठीक है, और आगे इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। आप लगातार वीडियो में बने रहिएगा और पूरा टेंस पढ़िए, उसके बाद फिर आप लोगों को हम वॉइस पढ़ाएंगे। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।